अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो क्लिप अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम लोग शौक के चक्कर में पैसे पर बात करते हैं। तो वहां पर एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि इसका सोल्यूशन क्या है। उसी सिलसिले में मैंने फिर कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, वो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। बिफोर डिस्कसिंग मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में भी मुझे बता दीजिएगा, प्लस बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अदर वीडियोस का आता रहे। सेकंडली, अगर आपको नहीं आप डिसएग्री करते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में काइंडली मेंशन कर दीजिएगा ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए अगर मैं किसी जगह पर रॉन्ग हुआ, और हम लोग उन पॉइंट्स को दोबारा अगर एडिशन भी कोई चाहिए तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट पॉइंट इज के पीयर प्रेशर, वी विल नॉट डिस्कस पीयर प्रेशर हेयर, वो हम लोग किसी डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शॉर्टली, पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपकी हैबिट्स पे। आपका जो सोशल ग्रुप है वो किस तरह का है, उसका वही पीयर प्रेशर आपके ऊपर आएगा और आपके बिहेवियर पे रिएक्ट करेगा। आपका अगर सोशल ग्रुप ऐसा है कि जो कि फजूल खर्ची करने वाला है, शो ऑफ करने वाला है, तो आप भी उनके प्रेशर में आके वही सब करेंगे। और अगर आपका सोशल ग्रुप ऐसा है कि जो कि सेविंग्स वाला है या इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टिंग वाले ग्रुप हैं, सादा लोग हैं जिनको शो ऑफ से कुछ नहीं है, तो ऑफकोर्स आप भी वही सब करेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जैसे 8th क्लास के बाद बायो, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस रखते हैं, तो हम लोग ये कम सोचते हैं कि हमें हमारा इंटरेस्ट किस में, उससे ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे दोस्त या मेरे सारे दोस्त क्या रख रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग रख रहे हैं, बायो रख रहे हैं। और उसी तरह हम लोग उसी पीयर प्रेशर में आगे, उसी सोशल ग्रुप के पीयर प्रेशर में आगे हम लोग भी वही चीज़ रख लेते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड करना चाहिए जिनके इंटरेस्ट या इनका जिनकी सोच ऐसी हो, शो ऑफ और ये सब फजूल खर्चियों वाली हो, और ताकि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना आए। आपको ऐसे ग्रुप्स में को ज्वाइन करना चाहिए जो कि इन्वेस्टर्स हों, जो कि सेविंग्स वाले लोग हों, जो आगे बढ़ने का सोचते हो, बजाय इसके कि दिखाना और ये सब करना हो। आपको मालूम है कि जो अमीर होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही उनका वैसे ही देख पता चल जाता है कि वो अमीर हैं। जो अमीर नहीं होते उनको ही ये सब शो ऑफ करना पड़ता है, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल्स। तो अगर आपको अमीर बनना है तो दिखाना नहीं पड़ेगा, आप अपने एटीट्यूड से भी आपके पता चल जाएगा कि आप अमीर हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट डालनी चाहिए। इन्वेस्टिंग की हैबिट इस तरह कि आपको अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे या पॉकेट में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसे या बैंक अकाउंट में पैसे रहेंगे तो आप ऑफकोर्स आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये खरीद लेता हूँ, वो लॉन्च हो रहा है वो ले लेता हूँ, ये चीज़ आ रही है वो ये ले लेता हूँ। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप ऐसा सोचेंगे ही नहीं। तो बेस्ट इज कि आप कभी भी पैसा बैंक में बाउंड करके ना रखें, उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, स्टॉक्स में या अदर सम अदर बिजनेस अप टू यू, जिसमें आपका नॉलेज है आप उसमें इन्वेस्ट करें, बट उसको इस तरह पॉकेट में या बैंक में मत रखें। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है, आजकल काफ़ी ट्रेंडी है पाकिस्तान में लोन वाला और इंस्टॉलमेंट वाला। तो थर्ड पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी आइटम्स, मोबाइल फोन्स, गाड़ियाँ, बाइक्स, इन सबको कभी भी लोन पे, बैंक लोन पे या इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं लेना चाहिए, अदर देन प्रॉपर्टी। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इज अ डिफरेंट केस, प्रॉपर्टी में डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम है उसका। प्रॉपर्टी में अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, सो वी विल नॉट डिस्कस प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो क्या कहते हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये गाड़ियाँ, बाइक्स, ये सब, इसको इनको आपको लोन पे या इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विद द टाइम इनकी प्राइस गिरती है और आपको इंटरेस्ट की मद में आप पैसे भी ज़्यादा देते हैं। मतलब 10 रुपीज़ की चीज़ आप 15 रुपीज़ में ले रहे हैं तो आप दो तरह से लॉस कर रहे हैं, एक आप ज़्यादा पैसे दे के वही चीज़ खरीद रहे हैं, प्लस वही चीज़ डिप्रिशिएट भी कर रही है अपनी वैल्यू में। तो मैंने जिंदगी में कभी भी लोन पे ऐसी कोई चीज़ नहीं ली अदर देन प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई चीज़ लेनी ही है तो आप बेस्ट है कि आप नेट पे लें, इस तरह की कोई चीज़ लेनी है नेट पे लें। उसका क्या प्रोसीजर है, आप सेविंग्स करें, 3-4 महीने सेविंग्स कर लें,
टीचर महीने सेविंग करेंगे तो उसमें उसके बाद आप वो चीज़ बाय कर लें, आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा। सेकेंडली उसमें ये एडवांटेज है कि हो सकता है 3-4 महीने बाद आपका प्लान ही चेंज हो जाए, तो आप इस तरह की कोई भी अगर फजूल चीज़ लेने वाले हैं शो ऑफ वाली हो इस तरह की वो फिर आप हो सकता है छोड़ देना ही लें। तो ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको देखना चाहिए कि आपका मनी सर्कल कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इस चीज़ को लेने के लिए। अगर आप नेट कैश पे ले रहे हैं कोई चीज़, मतलब आपकी सैलरी आ रही है और आपने वो चीज़ खरीदनी है, तो आपने अपना मनी सर्कल देखना है कि मनी सर्कल कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आया आपको अपनी सैलरी में से जो है ये चीज़ लेनी है, उसमें आपको उधार तो नहीं पकड़ना पड़ रहा, आपकी सैलरी से ज़्यादा तो नहीं ये चीज़ ये की वैल्यू। अगर उसकी प्राइस आपकी सैलरी से ज़्यादा है तो फिर तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, ऑफकोर्स आपका टोटल बजट आउट हो जाएगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका मनी सर्कल अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, 2-4 महीने सेव कर लें बेस्ट है, जो कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ हमेशा, 2-4 महीने की सेविंग्स करके उसके बाद कोई भी चीज़ खरीदता हूँ। तो कभी किसी से उधार पकड़ के मत खरीदें, आपका अपना लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए किसी से उधार पकड़ के लाइफ स्टाइल मत दिखाएं, बाद में आप ही को मसला होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है सिक्स पॉइंट आता है कि आप जब लेट से कि आपने अब खरीदना ही है, खरीदने चले गए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन आपने से करें कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, और उसके बाद इसको क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं कोई सस्ती चीज़ ले लूँ। मतलब यह है कि मैं अगर ये वाली चीज़ नहीं ले रहा लेकिन इससे नॉर्मल चीज़ ले लेता हूँ, गुजारा नहीं हो रहा है, शो ऑफ करना ही है, ये आपने लेनी है चीज़, तो आप कोई नॉर्मल चीज़ ले लूँ, लाजमी नहीं है कि मैं महंगी वाली ही लेनी है मैंने। तो उसके बाद फिर आप ये देखें कि इसका कितना लॉन्ग टर्म मैंने यूज़ करना है, मैंने 6 महीने के लिए यूज़ करना है, 6 साल के लिए यूज़ करना है। अगर तो 6 महीने के लिए यूज़ करना है फिर आप नई चीज़ मत लें, मेरे ख्याल में आप सेकंड हैंड चीज़ लेने, थोड़ी सी यूज हुई चीज़ लेने। हाँ, अगर आपने 6 साल यूज़ करना है फिर आप बेशक नई चीज़ लेने, जैसे गाड़ी है, गाड़ी निकलवा रहे हैं तो 0 मीटर निकलवा रहे हैं अगर आपने लंबी यूज़ करनी है, बट अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर के बाद चेंज करने वाले हैं गाड़ी, तो फिर उसको शोरूम से निकाल के 2-3 लाख वैसे उसकी प्राइस गिर जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है नई लेने की, उसको थोड़ी चली हुई ले लें, उसमें कुछ तो पैसे बचेंगे आपको। तो जब भी आप कोई चीज़ लेने जाएं तो फिर ये इस तरह की कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करें कि मैं इसको अवॉइड कर मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, क्या मुझे अभी चाहिए या मैं थोड़ा से बाद ले सकता हूँ, और इसको मुझे कब तक यूज़ करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जब करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आप अपने आपको कन्विंस कर लें कि मैं रहने देता हूँ लेने के लिए, तो इस तरह आपके पैसे बच सकते हैं। तो ये भी एक शो ऑफ को अवॉइड करने के लिए एक तरीका है कि आपको भी चीज़ लेने के लिए जाएं तो पहले अपने आपको कन्विंस करें कि मुझे नहीं है ज़रूरत इसकी। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ पॉइंट्स थे मेरे जो मैंने नोट किए थे। अब आप कमेंट्स में मुझे काइंडली बताइएगा कि कुछ अगर मैंने मिस किया तो वो भी, प्लस अगर कुछ चीज़ आप डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताइएगा, प्लस आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अदर वीडियोज़ का नोटिस भी आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।